ये देखें चार अंडे दो बच्चे इधर देखें, ये देखते जाएं आप बस इधर देखते जाएं, ये देखें जी अंडे, ये देखें एक बच्चा तीन अंडे और बच्चे देखते जाएं इधर आए अल्लाह, ये देखें जी माशाल्लाह एक दो अंडे एक बच्चा अंडे आपको चार अंडे बच्चे बच्चे नजर आएंगे पांच अंडे ठीक है ये चार अंडे माशाल्लाह बहुत ज्यादा इसकी प्रोग्रेस है ये देखें जी ये कितने हैं ठीक है ये पांच छह बच्चे हैं जी आप देखें छह छह सात सात बच्चों की एवरेज है और ये एक पेयर इनको माशाल्लाह पाल रहा है इनको माशाल्लाह जी अंडे इनके जो है अंडे 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 के बेचने तो नहीं लागे गरम अंडे इतना इतना अंडा पोस्टर करते हैं ये इनके बच्चे हैं ये पोस्टर कर रहे थे भी आप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन है, आप लोग देख रहे हैं HSN एंटरटेनमेंट। आज आपका भाई सवा लाख रुपए का डब्बा, छोटे से डब्बे के अंदर सवा लाख रुपए के बर्ड्स है मेरे पास। इसके अंदर हम लोगों को मिल जाते हैं रेड एज गोल्डियन, लटिनो गोल्डियन, ब्लू गोल्डियन, पेस्टल गोल्डियन, सबसे एंड पे कॉमन गोल्डियन। आज आपको गोल्डियंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, इनको कितने टेम्परेचर में रखा जाता है, इनको खाने के लिए क्या दिया जाता है, इनको पीने के लिए क्या दिया जाता है, इनके बच्चे कितनी देर में ब्रीडिंग के काबिल हो जाते हैं, अंडे एक टाइम पे कितने देते हैं, केज का साइज कितना होता है इनका, इनके अंदर कलर कौन कौन से होते हैं, किस तरह से मेल और फीमेल की पहचान की जाती है, किस बर्ड के नीचे इनके अंडे फॉस्टर करके ब्रीड ली जाती है, दोबारा कितने अरसे में ये लेइंग कर देती है और कितने साल तक ये लेइंग करते रहते हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके पास इस तरह के खूबसूरत बर्ड्स हो तो आप लोग वीडियो को फुल देखें, वीडियो का लास्ट में आपको बताया जाएगा भाई जान किस तरह से आप तक हम लोग ये बर्ड्स को पहुंचा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें, अगर आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब पर वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि इस तरह की मजेदार किस्म की वीडियो हम लोग आपकी खिदमत में प्लेट में रख के बल्कि डब्बों में रख के पेश करते रहें। अभी चलते हैं हम लोग एहसान भाई की तरफ जाके इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेते हैं। आप लोगों को वीडियो देखने का मजा आएगा, कॉमेंट्स करके बताना और क्या देखना चाहते हो। अस्सलाम वालेकुम एहसान भाई, कैसे हैं आप जनाब? जी अल्लाह का शुक्र है भाई, क्या कर रहे हैं जी? अंडे इनके जो है अंडे 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 के बेचने तो नहीं लागे गरम अंडे इतना इतना अंडा पोस्टर करते हैं, ये इनके बच्चे हैं, ये पोस्टर कर रहे थे भी ये मैं कहीं इनको रख रहा था और जगह पे, ये आप देख सकते हैं ये गोल्डन के बच्चे हैं ठीक है, और इनके ये बड़े होकर ये बनेंगे जी, बड़े होकर ये बनेंगे। और आपको मैं इनके अंडे भी दिखाता हूँ, बच्चे भी यहाँ पे नेस्ट मैंने यहाँ पे मैंने पोस्टर जमा करने हैं, तो ये आप आ सकते हैं इधर आके आप देख सकते हैं ये गोल्डियन है जी, ये इनके बच्चे नीचे भी निकले, नीचे भी हैं और माशाल्लाह आप नीचे भी देख सकते हैं अंडे अंडे हैं ये सारे, बस जितने भी आप देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा अंडे हैं जी, ये सब अंडे बच्चे आपको नजर आएंगे, आप जितने बॉक्स आप देखें जो सा मर्जी खोलें इधर अंडे बच्चे, ये 3000 के करीब इसमें जो है अंडे बच्चे हैं। और पिछली बार जब हम आए थे वो वाले तो सारे बड़े हो गए होंगे ना जी, वो बड़े हो गए, वो सेल आउट भी, ये कौन से बच्चे? ये कट थ्रोट और भी रखे होंगे, कोई नहीं ये, हाँ जी ये कट थ्रोट फिंचेस के बच्चे निकले। अच्छा 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 अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, इनमें मुख्तलिफ डिफरेंट रखे हैं। अच्छा एहसान भाई मुझे बताएं कि ये गोल्डियन जो फ्रिंच है इसके केज का साइज क्या होता है? नॉर्मल गोल्डन फिंचेस का 1.5x1.5x2 का केज साइज होता है, 1.5x1.5x1.5 में भी रख सकते हैं, 1.5x1.5x1.5 में भी रख सकते हैं आप। लेकिन आप दो प्रेफर करते हैं कि वेंट ब्लॉक ना हो, एग बाइंडिंग ना हो, जी जी बिल्कुल चर्बी तो, ना लगे जी, फ्लाइंग अच्छी मिल जाए, दो दो फुट का मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ हो। अच्छा ये जो इसके अंदर येलो कलर की नजर आ रही है ये लटिनो है, ये जितनी ग्रीन नजर आ रही है सारी कॉमन में आती हैं, इसके अंदर काले सर भी आ जाते हैं, नीले पीले सारे सर आ जाते हैं, जो नीले वाली हैं वो वाली आ जाती हैं ब्लू गोल्डियन, जी ब्लू गोल्डियन में ब्लू गोल्डियन, फिर पेस्टल भी होती हैं, रेड आइज भी होते हैं, मतलब काफी सारी म्यूटेशन है इसके अंदर, म्यूटेशन आ जाती है। अच्छा ये जो गोल्डियन फ्रिंच है ये एक टाइम पे कितने अंडे दे देती है? गोल्डियन फ्रिंच एक टाइम में 4 से 6 अंडों तक इसकी एवरेज होती है नॉर्मल देने की नॉर्मल, और अगर आप इससे ब्रीड ले जाएंगे तो ये तकरीबन साल में 12-13 दफा आपको ब्रीड दे देगी, मतलब हमें कुछ 40 से 50 अंडे साल के आ जाते हैं, 40 से 50 अंडे तक आपको इजीली इसके आ जाते हैं, ये सिर्फ आप इसके अंडे उठाते जाएं और ये सस्ते जोड़े होते हैं बांग्लादेश के, इनके नीचे आप पोस्टर करते जाएं और बच्चे लेते जाएं पूरा साल इनसे। अच्छा पूरा साल गोल्डियन जो फ्रिंच है ऊपर का नजर आई, ये जो गोल्डियन हमें नजर आ रही है इस टाइम, जी जी ये कितने अरसे बाद ब्रीड करती है? जो बच्चे अभी हमने आपके हाथ में देखे बच्चे दिखाए, ये बच्चे अभी कितनी देर में तैयार होंगे और कब ब्रीड करेंगे? ये 20 दिन के अंदर जो है नेस्ट से बाहर आ जाते हैं, मजीद 10-15 दिन के अंदर ये सेल्फ हो जाते हैं, ये मतलब एक महीने के अंदर पूरे सेल्फ हो जाते हैं, 45 दिन के अंदर अंडे से निकलने के बाद 45 दिन में सेल्फ हो जाते हैं। जो नए दोस्त जुड़े हैं उनको सेल्फ का मतलब नहीं पता होगा कि पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, खाने पीने के काबिल हो जाते हैं, ब्रीडर नहीं बनते, ब्रीडर नहीं बनते 45 दिन। ब्रीडर बनने में कितना टाइम लगता है? ब्रीडर बनने में 8 महीने लग जाते हैं इनको, 8 महीने जी, मतलब अभी अगर जो हम लेंगे वो हमें नेक्स्ट सीजन में जाके ब्रीड देगा जी, बिल्कुल। तो अगर हम लोगों को बड़े चाहिए हो ब्रीडर कंफर्म, हम चाहते हैं कि यार हम आए
ऐसे नेस्ट बॉक्स खोलें कि यार इसमें अंडे हैं, मादी बैठी हुई है, फर्टाइल है, बच्चे निकले हुए हैं, हमने लेना बॉक्स उतार के ले जाए, तो इस तरह से मिल सकता है जी, इस तरह मिल जाए। चलें जी, ये तो बड़ा बेहतर हो गया कि आप लोगों को बड़े ब्रीडर अपनी मर्जी के तसल्ली करके 250 जोड़ा है, कोई 2-3-4-5-10 जोड़े 20 जोड़े नहीं है, 250 जोड़े हैं, और आप अपनी मर्जी के जो हैं आके यहाँ से लेके जा सकते हैं। केज का साइज आपको बता दिया है, टेम्परेचर पूछ रहे थे सन भी, टेम्परेचर कितना रखते हैं यहाँ पे, मीटर भी लगा हुआ है, जो टेम्परेचर है वो 25-30 के दरमियान आप रख सकते अच्छा। हैं अच्छा 25 से नीचे और 30 से ऊपर जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन 25-30 के दरमियान रहे तो ये पूरा साल ब्रीड करते हैं आपके। अभी मुझे एक और चीज जाननी है कि दोस्त कहते हैं ये यहाँ पर आपने बिल्कुल इंडोर रखा हुआ है जी जी, वो कहते हैं धूप चाहिए जी जी, तो ये अंदर ब्रीड कर रहे हैं इंडोर जी? इंडोर भी कर देते हैं ब्रीड आप, बस इनका टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। अच्छा साहब, कितना एक मुश्किल है इनकी ब्रीड करवाना, क्या प्रोग्रेस है, कोई प्रोग्रेस हमें दिखाए इसकी गोल्डियन की? इनकी ब्रीड करवाना कोई मुश्किल काम नहीं है, अंडे आते जाएंगे आपने उठा, सिर्फ एक काम करना आपने बंगलादेश के नीचे फोस्टर करते जाना है, ये आप देखें मैं डेली इनके अंडे जो हैं उठा उठा के फोस्टर करता हूँ, आप देखते जाएं, चार अंडे ये देखें, चार अंडे दो बच्चे, इधर देखें ये देखते जाएं आप, बस इधर देखते जाएं, ये देखें जी अंडे, ये देखें एक बच्चा तीन अंडे और बच्चे देखते जाएं, इधर आए अल्लाह, ये देखें जी माशाल्लाह, एक दो अंडे एक बच्चा, ये आप अब देखें जी गौर से देखें ठीक है, वो दो बच्चे हैं, सॉरी दो बच्चे हैं यार इसमें जी ठीक है, दो बच्चे इसमें भी अंडे अंडे आपको चार अंडे बच्चे बच्चे नजर आएंगे, पांच अंडे ठीक है, ये चार अंडे माशाल्लाह बहुत ज्यादा इसकी प्रोग्रेस है, ये देखें ये कितने हैं ठीक है जी, ये चार छह बच्चे हैं जी। अच्छा और भी ब्रीड्स के बच्चे हैं बीच में जी, मिक्स ब्रीडों के बच्चे आपको दिखा रहा हूँ, और भी ये आप देखें छह छह सात सात बच्चों की एवरेज है, और ये कि पेयर इनको माशाल्लाह पाल रहे हैं, सही ये देखें, फिर पांच अंडे यार बहुत अंडा दिया हुआ है, ये कितने ब्रीड्स के बच्चे हैं, ये अपना स्टार फिंचेस के मुख्तलिफ ब्रीड हैं मेरे पास जो जिनके बच्चे हैं इसमें, ये कहाँ पे आके आपसे चीजें ली जा सकती हैं? ये मेरा जो सेटअप है ये लाहौर में है, चुंगी अमर से जो निश्तर कॉलोनी फरोजपुर रोड, और कार्गो भी अवेलेबल होगा, अगर कोई पाकिस्तान में कहीं से भी भाई वीडियो देख रहा है तो उसको वहाँ पे जो है हम जो है पहुँचा देंगे, पूरे के पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं भी पहुँचा देंगे जी, कहीं भी आपका कार्गो हो जाएगा। डब्बा खोल के देखें, अरे इसमें भी कुछ है, ये कौन से हैं जी? ये कट रोड के और इसके अपने जावा फिंचेस के, मैं बंगलादेश से मजे की बात, बंगलादेश बड़े बच्चे, ये बच्चे हैं बड़े हैं जी, ये बच्चे अब बड़े हो गए हैं, ये उड़ जाएंगे, छोड़ूंगा तो जी छोड़ेंगे तो उड़ जाएंगे, थोड़े से बड़े हुए पड़े हैं अब इस वक्त, माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं यार, दो बड़े हैं दो छोटे हैं इसके अंदर, ये निकलवाए किसके नीचे हैं आपने? ये मैंने बंगलादेश के नीचे पलवाया, सारे बंगलादेश के नीचे पलवाया, सारे बंगलादेश के नीचे पलवाया, सही है सही है। इस तरफ देखते हैं जी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शायद कुछ मिले हमें देखने को, ये बंगलाइज है ना, बंगलाइज है ना ये जी, ये बंगलाइज ही अंडो बैठे हैं, अंडों पे बैठे हुए हैं, सही हो गया, ये जहाँ से भी आप मर्जी डब्बा खोलें सबके अंदर बच्चे ही बच्चे और अंडे अंडे आपको मिलेंगे। ये तो फहद मुस्तफा का शो नहीं हो गया, कौन सा डब्बा खोलें, जहाँ भी डब्बा खोलें पूरे फार्म में से जहाँ मर्जी आप डब्बा खोलें सबके अंदर खाली कोई भी नहीं होगा जी, खाली कोई भी नहीं है, और कोई जो खाली आपको नजर आएगा उसके बच्चे उड़ के बाहर आ चुके होंगे, वो वहाँ पे सामने नजर आएंगे, हमें सामने आपको बैठे नजर आएंगे, जिस तरह के ये डब्बा है इधर आप आए तो मैं आपको दिखाता हूँ, किधर ये देखें, ये डब्बा अगर आपको खाली नजर आया ना हाँ। तो इसके जो बच्चे हैं ना, कितने सारे बच्चे हैं अंदर, 7-8 बच्चे माशाल्लाह इन्होंने खुद ही पाले, ये आप देखें, ये देखें ये सारे बच्चे निकले हुए। अच्छा इनकी एक चीज पूछनी थी जी जी, कि जितनी भी फ्रेंचीज हैं जी जी, इनके बच्चे निकलते सर टेल क्यों करा देते हैं अपनी? ये खास तौर पे सिर्फ बंगलादेश में होता है और किसी बर्ड में नहीं होता, बंगलादेश कॉमन फ्रेंच में भी करा देती है? नहीं नहीं होता। अच्छा पता नहीं मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है फिर, वो आपके साथ हो रही होगी, लेकिन यहाँ पे आप देखें किसी बर्ड की टेल नहीं गिरी हुई, ये बच्चे टेल नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे। लेकिन जी गोल्डियंस वगैरह तो आपको दिखा दिए, साथ ही साथ थोड़ा बहुत और जिसका भी आपको दे दें यहाँ पे जी, इसके अंदर काफी सारी म्यूटेशन है फिंचेस में मेरे पास है। ये कौन सी लगी है? स्नो व्हाइट फिंचेस, ये स्नो व्हाइट है, जेब्रा, जेब्रा कौन सी है? ये जेब्रा में, ये मेरे पास इंग्लिश लाइन बर्ड भी मौजूद है जेब्रा फिंचेस के अंदर, अगर ये तो बहुत बड़े हैं माशाल्लाह जी, इनके साइज ये इंग्लिश है, ये बर्ड की ब्रीड है, इसके अंदर ये इमो है, इमू, ये तो काली है फ्रेंची, ये काली फ्रेंची है ठीक है जी। एहसान भाई लोकेशन सबसे पहले जो बहुत जरूरी है, अगर पता होगा तो आएंगे, वरना कैसे आएंगे, और रब्ता किस तरह से होगा जी? जो मेरी लोकेशन है वो लाहौर निश्तर कॉलोनी फरोजपुर रोड मेट्रो का स्टाफ, और जो है मेरा रब्ता नंबर है वो 0304-8065000। कितने से कितने बजे तक हो सकता है
ये आप सुबह 8 बजे से लेके रात 10 बजे तक मेरे से रابطہ कर सकते हैं। और अगर आप नहीं पिक करते फिर क्या कर सकते हैं? जी मैं रीबैक कॉल करता हूँ दोबारा, अगर मैं एक टाइम में कॉल पिक नहीं करा तो किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो दे देते हैं आप। जी मैं बिल्कुल उसको दे देता हूं। चलें जी, बहुत शुक्रिया शान भाई, इंशाल्लाह ताला जल्दी फिर मुलाकात होती है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे सज्जनों, मेरे बेलियों, अगर आप लोग इनका शो करना चाहते हैं तो शान भाई से पहले तो आप रابطہ कर लें। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं इनके बारे में, इनकी बीमारियों के बारे में, इनकी फ्लाइंग के बारे में, इनकी ब्रीडिंग के बारे में, तो एहसान फ्रिंज फार्मिंग के नाम से डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक आ रहा है, वहां पे जाके इनके बारे में अवेयरनेस आप लोग ले सकते हैं। हर किस्म की फ्रिंज के बारे में अवेयरनेस दी गई है वहां पे। उसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। फेसबुक पर देख रहे हैं तो अपनी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस तरह की मजेदार किस्म की वीडियो और आपके लिए लेके आए हम लोग। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।